ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कबीरधाम जिले में सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज से सुनवाई शुरू की। राज्य शासन सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज रायपुर जिले में मतगणना तैयारियों का लिया जायजा। दंतेवाड़ा जिले में आज एक महिला सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कबीरधाम में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत के मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान में लेकर आज प्रारंभिक सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित सभी पक्षकारों से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों से यह बताने के लिए कहा है कि वे सड़क हादसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। गौरतलब है कि कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र में 20 मई को हुई सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी। दंतेवाड़ा जिले में आज एक महिला सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी, दंतेवाड़ा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक विकास कठेरिया और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित सभी माओवादी मलंगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। इन माओवादियों पर सड़क खोदने और बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि और सभी प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 180 इनामी माओवादी सहित कुल 805 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस बीच नारायणपुर दंतेवाड़ा बस्तर जिले की सीमा पर कल हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस जवानों की वापसी के दौरान माओवादियों के साथ एक बार फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक और माओवादी मारा गया। इसका शव बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में अब तक 8 वर्दीधारी माओवादी मारे गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर में सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना के लिए तैयार किए जा रहे मतगणना कक्षों का अवलोकन किया। श्रीमती कंगाले ने निर्बाध और सुव्यवस्थित मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार सिंह, एसएसपी संतोष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले में विधानसभावार मतगणना कक्षों, उम्मीदवारों और उनके गणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पास, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग, मतगणना के दिन वीडियोग्राफी, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, डाक मतपत्रों तथा वीवीपैट पर्ची की गिनती की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना स्थल में विधानसभावार मतगणना कक्ष तक पहुंचने के लिए बनाए गए मार्गों का भी अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। मीडिया प्रतिनिधि मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जा सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना 4 जून को होनी है। जांजगीर चांपा जिले के बिरगहनी की 6 और देवरहा की 2 खदानों पर ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इससे आसपास के घरों में दरारें आने की शिकायतें मिली थीं। हैवी ब्लास्टिंग की शिकायत के बाद रायगढ़ के खान सुरक्षा के निदेशक ने यह कार्रवाई की है। वे करीब 1 माह पहले खदानों की जांच के लिए वहां पहुंचे थे। सक्ती जिले में क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम को 3 गुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के फगुरम में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से 3 गुना मुनाफे का लालच देकर करीब 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को बलरामपुर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 65,000 नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए समर कैंप का आयोजन बहतराई स्टेडियम में किया जा रहा है। इस समर कैंप में जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने बच्चों से संवाद किया और छोटी छोटी प्रेरक कहानियों के माध्यम से बच्चों को संदेश दिया। जिला स्तरीय समर कैंप पंख में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लगभग 200 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों को कैरियर से संबंधित आवश्यक जानकारी भी दी गई। इस समर कैंप में इंग्लिश स्पीकिंग, वैदिक गणित, रंगोली, पेंटिंग और ड्राइंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार वन क्षेत्रों में आगजनी के कारण और उनकी रोकथाम पर मुख्य वन संरक्षक सतर्कता वीपी सिंह से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 25 मई को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। पुलिस ने आज दिल्ली से आईपीएल सट्टा संचालित कर रहे 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 लैपटॉप, 15 मोबाइल फोन, 4 चेकबुक, 6 पासबुक और 22 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने गौरेला पिंडरा मरवाही के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने दवाइयों के भंडारण और वितरण का अवलोकन किया। श्री पिंगुआ ने एक्सपायरी डेट के 3-4 माह पहले ही दवाइयों का वितरण करने को कहा। वहीं श्री पिंगुआ ने पिंडरा विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटमी का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में खेले गए अंडर-20 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब दिल्ली ने जीत लिया है। बीते 22 मई को दिल्ली और कर्नाटक के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें दोनों टीमें 3-3 गोल की बराबरी पर रहीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में दिल्ली ने कर्नाटक को 3-4 गोल से हराकर खिताब पर कब्जा किया। जांजगीर चांपा जिले के नकपुरा जावलपुर में ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर चक्का जाम कर दिया, जिससे जांजगीर बलौदा मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम भाड़ी में भी ट्रेलर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। मॉनसून मालदीव के कुछ भाग और कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान सागर और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ भाग तक आज पहुंच गया है। इस बीच एक अवदाब मध्य बंगाल की खाड़ी में खेपूपारा से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और कनिंग से 750 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसके लगातार उत्तर पूर्व में आगे बढ़ते हुए प्रबल होकर चक्रवात के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणी का दक्षिण पश्चिम राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। वहीं एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की आशंका है। इस बीच जशपुर में कल रूक रूक कर भारी बारिश हुई। जिले के पत्थलगांव क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं अंधड़ चलने से शाही डांड में कई घरों की छतों के उड़ने की खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कबीरधाम जिले में सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज से सुनवाई शुरू की। राज्य शासन सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज रायपुर जिले में मतगणना तैयारियों का लिया जायजा। दंतेवाड़ा जिले में आज एक महिला सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।